अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं लिक्विडेशन 2005 क्वेश्चन नंबर 4। अनीस कमर एंड मेहदी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल बैलेंस ऑफ रुपीज 231,200, 177,200, 191,600 रिस्पेक्टिवली। द करंट ईयर ऑपरेशन डिड नॉट गो वेल एंड द पार्टनर्स फाइनली डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। On December 31st, after assets were converted to cash, yani asset bik gaye and all creditors were paid, karza utar diya, the only 60,000 cash remaining in the firm. Kitne paise bache? Sirf 60,000 cash bacha hai. Theek hai, asset bech diye aur liability pay kar di, cash bacha 60,000. Compute capital balance of partner after the realization of assets and payment of liabilities. Asset bech diye, liability pay kar di, lekin ab tak profit and loss distribute nahi hua. Make journey to record the cash receipt from the deficient partner, यानी किसी partner को इतना loss हो रहा है कि उसे घर से पैसे लाने पड़ेंगे, and also the entry for the final disbursement of cash to partners. Okay जी, पहले computation करते हैं कि बच रहा कितना है, summary बना लेते हैं हम liquidation की, ठीक है ना? Liquidation summary बनाते हैं पहले, तो liquidation summary, ठीक है जी। पांच आइटम की बनेगी मेरे हिसाब से, ये एक्सप्लेनेशन, कैश और तीनों की कैपिटल। एक्सप्लेनेशन, कैश और तीनों का नाम क्या है पार्टनर्स का, यहाँ से बंद करूँ भाई ये चीजें सारी। तो कैश कमर और मेहदी तीन पार्ट, अनीस कमर और मेहदी, अनीस कमर मेहदी, ठीक है जी। बैलेंसेस क्या है, बैलेंसेस कॉपी करता हूँ। कैश कितना है मेरे पास बैलेंस में, सवाल में लिखा हुआ था कैश 60,000। कैश था 60,000, ये लिखा हुआ है कैश बचा, ये कैपिटल है तीनों 231,200, यहाँ लिखा मैंने 231,200, इसका कितना है 177,200, इसका कितना है 191,600, ये बैलेंसेस आ गए। अच्छा जी, एसेट बिक चुके हैं, लाइबिलिटी पे हो चुकी है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो चुके, कैश बचा 60,000। हाँ जी, कैश बचा कितना है 60,000 और कैपिटल बैलेंस ये। सवाल में रेशियो कितना गिवन है, अनीस में मेरी इक्वल पार्टनर है, तो प्रॉफिट लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैश बन रहा है मेरे पास 60,000, कैपिटल कितने बन रहे हैं, कैलकुलेटर भी यूज करते हैं कि इक्विटी साइड कितनी आ रही है, 231,200 + 177,200 +191,600, तो 6,00,000 की टोटल इक्विटी बन रही है, सही। और कैश है 60,000। अगर नीचे और फर्दर वर्किंग करूँ मैं, कंप्यूटेशन पे आता हूँ, तो कैपिटल्स कितने बन रहे हैं भाई? सर आप, मैं 10 मिनट्स लेट हो गई हूँ, आप थोड़ा समझा देंगे? तो 231,200 + 177,200 + 191,600, ये हो गया तीनों ही कैपिटल। प्लस करा कितना बना 6,00,000, लेस करते हैं इसमें से क्या कैश, कितना कैश है भाई 60,000 कैश है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 540,000, आपका रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा। कितना आएगा 540,000 का आपका रियलाइजेशन लॉस आ गया। अभी लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ओके जी, 540 का लॉस हुआ, ये लॉस तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस पे आते हैं।
कैसा आएगा भाई? 540,000 डिवाइड बाय तीन पार्टनर है, इक्वल है कितना आ जाएगा? 540 डिवाइड बाय थ्री, वन लाख 80,000। तो 1,80,000 का तीनों का लॉस आ जाएगा इक्वली। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। सही है ना? लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों के समय 180 आएगा, माइनस करेंगे 180,000, इधर भी 180 का लॉस आएगा, ठीक है। लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, बैलेंस कितना आ जाएगा? कैश तो हमारा 60,000 है, 231 माइनस 180 कितना आ जाएगा? 231, 200 माइनस 180,000, 51,200 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 51,200। सर कैपिटल है 177,200 माइनस 180,000, 2,800 माइनस में आ जाएगा। यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट में 2,800, इससे कितना आ जाएगा? 191,600 माइनस 180,000 कितना आ जाएगा? 11,600। यहाँ लिखूंगा 11,600, यह क्या बैलेंस। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है? कंप्यूट कैपिटल बैलेंस कर दिया हमने, ठीक है ना। मेक एंट्री टू रिकॉर्ड द कैश रिसीव फ्रॉम डेफिशन पार्टनर। इसका नुकसान हुआ, घर से पैसे लाएगा, तो कौन पैसे घर से लेकर आएगा भाई? कमर। कहते हैं डेफिशिएंसी मेड बाय कमर। मेड बाय कमर। कमर कितने पैसे लेकर आएगा? 2,800 का नुकसान है कमर का, तो 2,800 कमर ले आएगा। ऐड किया, बैलेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा ऐड करके? 62,800। ये एसेट आ जाएगा 51,200। ये आ जाएगा डैश, कितना आ जाएगा? 11,600। फिर लास्ट पॉइंट, पेमेंट करते हैं पार्टनर्स की। पेमेंट करेंगे, कैश चेक करो, कैश भी उतना ही बन रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैश भी बनेगा 62,800। यहाँ लिखेंगे पे टू पार्टनर्स, कैश पूरा चला जाएगा 62,800, इसकी पूरी पेमेंट हो जाएगी 51,200, इसको पूरे पे कर दिए जाएंगे 11,600। अब बैलेंसेस क्या आएंगे? नीला आएगा सबका, ठीक है भाई। यहाँ कंपटीशन इसकी हो गई खत्म। अब रिक्वायर्ड क्या? एंट्री रिक्वायर्ड है, क्या बनानी है? मेक जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द, पहले से बना दी कंप्यूट कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड मे पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। कैपिटल बैलेंस निकाले थे, ऐसे लाइबिलिटी का हमने निकाल ली, जो बैलेंस गिवन थे डिस्ट्रीब्यूट करने का, हमने कैपिटल निकाल लिया। कहाँ निकाला? समरी के अंदर ही ये निकाला, और फिर उसके बाद फिर पेमेंट करी। पहले डेफिशिएंट्स की एंट्री बनी, डेफिशिएंट पार्टनर की एंट्री बनी, फिर पार्टनर्स की पेमेंट की एंट्री बनी, ठीक है जी। अब आते हैं एंट्री की तरफ, एंट्री का कॉलम उठाएंगे यहाँ से। कोई नाम है कंपनी का? कोई नाम नहीं है कंपनी का, सिंपल जनरल जनरल लिखेंगे और एंट्री बनाएंगे। ठीक है ना भाई,
पहले एंट्री अगर मेक जनरली टू रिकॉर्ड द कैश रिसीव फ्रॉम डेफिशिएंट पार्टनर, डेफिशिएंट पार्टनर क्या लगाए कैश लेकर आए, ठीक है ना, तो कैश लेकर आएगा वो, कितना कैश लाएगा देखो भाई, 2800 का इसका नुकसान हुआ है, ये 2800 कैश ले आएगा, तो कैश डेबिट और कमर कैपिटल क्रेडिट जाएगा 2800 से, कैश डेबिट और कमर कैपिटल कैपिटल जाएगा क्रेडिट, डेफिशिएंसी मीट बाय कमर, कमर लेकर आया था 2800 रुपये, 2800। दूसरी एंट्री बनेगी पार्टनर्स की पेमेंट की, कितनी पेमेंट करेंगे भाई, अनीश को देंगे 51200 और मेहदी को देंगे 11600, और क्या जाएगा तो अनीश कैपिटल डेबिट और मेहदी कैपिटल भी डेबिट, और कैश हो जाएगा रेमुनरेशन टू रिकॉर्ड पेड कैश टू पार्टनर्स। इस सवाल में क्या हुआ है भाई कि एसेट बिक गए, लायबिलिटी पे हो गई, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हुआ 540, लेकिन इसकी एंट्री रिक्वायर्ड है, नहीं चेक करूँ मैं, कंप्यूट कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडिशन ऑफ एसेट, मेक जनरेटी टू रिकॉर्ड द कैश रिसीव फ्रॉम द डेफिशिएंट पार्टनर एंड ऑल्सो एंट्री ऑफ द करंट डिसबर्समेंट ऑफ कैश। अच्छा, एक और एंट्री बन सकती थी इसमें 180 का जो लॉस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है तो हमने नहीं बनाई, तो रिक्वायर्ड जो एंट्री वो कौन सी थी, डेफिशिएंट पार्टनर किससे पैसे आने की और दूसरी पार्टनर की पेमेंट की, तो कितनी पेमेंट करी हमने, इसको दी 51200 और उसको दी 11600, तो यहाँ लिखेंगे 51200, यहाँ लिखेंगे 11600 प्लस अरे कैश कितने से क्रेडिट होगा 62800 से, ठीक है जी, सवाल यहाँ पे ये वाला खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब आते हैं इसके बी पार्ट पे, फाइव प्राइवेट क्वेश्चन में फोर का बी, इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एक्स वाई जेड पार्टनर्स नॉन कैश एसेट्स वर सोल्ड, इसमें भी एसेट बिक चुके फॉर कैश 50,000, कितने के बिक गए 50,000 के बिक गए, एंड द रिलेटेड गेन और यहाँ बता दिए कितने के बिके हैं, पिछले सवालों में नहीं बताता था, डायरेक्ट बोलता था एसेट बिक गए, लाइबिलिटी पे हो गई, ये बैलेंस बचा है, यहाँ कह रहा है एसेट बिका है 50 का, एंड द रिलेटिंग गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन रिजल्टेड इन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लॉस हुआ एसेट बेचने पे, तो क्या हुआ से एक्स और वाई जेड तीनों कैपिटल डेबिट हुआ 12,000, 9,000, 9,000 से, कैन यू डिटरमाइन द गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन निकालना है ऑफ एसेट्स, यानी कितने का लॉस हुआ, वैसे तो लॉस ही हुआ है, गेन तो हुआ ही नहीं है, पहली रिक्वायरमेंट है गेन और लॉस निकालना है, ठीक है जी, ओके भाई, ये था 15 का, 5 का ए, अब करते हैं 5 का बी, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, कंप्यूटेशन पहली रिक्वायरमेंट है नंबर 1, नंबरिंग करके डालना, 1 लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल, ठीक है, तो भाई तीनों पार्टनर कैपिटल हुआ डेबिट, लॉस कैसे हुआ 12 से 9 से 9 से, एक्स कैपिटल 12,000, वाई कैपिटल 9,000, जेड कैपिटल भी कितने से 9,000 से, तीनों को ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल आ जाएगा कितना 30,000, पहली रिक्वायर्ड हमारी कंप्लीट हो गई, डिटरमाइन द गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, दूसरी डिटरमाइन द पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस एज पर कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल रेशियो निकालना है पार्टनर का, तो 12-9-9 का लॉस नजर आ रहा है, लेकिन रेशियो इसके लिए हमें कैपिटल बैलेंस सही होता है नहीं है, लेकिन ये जो लॉस की वजह से कैपिटल डेबिट हो रहे हैं इसके थ्रू हम लॉस और गेन का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सेकेंड रिक्वायरमेंट, कंप्यूटेशन
ऑफ ऑफ कैपिटल रेशियो। तीनों पार्टनर है कौन कौन? पहला है एक्स, वाई, जेड। एक्स को लॉस कितने का हुआ? 12,000 का। ठीक है, वाई को लॉस हुआ 9,000 का और जेड को भी 9,000 का लॉस हुआ। जब ना तीनों का रेशियो निकालोगे तो क्या रेशियो आएगा? 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9, तो 4 3 3 का रेशियो आ गया। ये हो गई हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट, रिमाइंड द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कैपिटल रेशियो। ठीक है ना, तो हमने निकाल लिया पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस कैपिटल रेशियो कितना आया? 4 3 3। ठीक है, जब थर्ड रिक्वायरमेंट पे आते हैं, कंप्यूट द बुक वैल्यू ऑफ नॉन कैश सोल्ड। जो एसेट बेचे वो थे कितने के? भाई बिके तो 50 के, लॉस हुआ 12 नॉनो का, थे कितने के? तो भाई सिंपल बात ये है कि नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। कैसे था कितने का जो कि बिक गया? ठीक है ना, ये देखना है कैसे था कितने का जो कि बिक गया, उसकी वैल्यू क्या थी। ओके जी, मैं लिखता हूं क्या लिखा हुआ है। सोल्ड फॉर कितने में बिका? 50,000 में। ठीक है, ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल। अगर गेन होता तो क्या कर देते? लेस कर देते। नुकसान हुआ तो क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। 30,000 का लॉस हुआ ऊपर बेचने पे। यानी एक चीज है, 50 की बेची, 30 का नुकसान हुआ, ठीक कितने की? तो क्या जाएगा? बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड कितना आ जाएगा? 80,000 का बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल हमारा खत्म हो जाता है।